सो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने किसी भी फ्रेंड्स का भी किसी दूसरे के व्हाट्सअप के स्टेटस को आप अपने स्टेटस में कैसे लगा सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स कभी कभी होता है, यहाँ पर देखिए हम इतनी ढेर सारी स्टेटस हैं यहाँ पर अपने दोस्तों के देखते हैं, और यहाँ पर किसी का भी कोई भी स्टेटस यदि हमें यहाँ पर पसंद आ जाता है तो उसे हम अपने यहाँ पर अपने स्टेटस में यहाँ पर कैसे हम ऐड कर सकते हैं, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा बहुत ही आसान तरीके से। जैसे कि यहाँ पर आप किसी भी अपने दोस्त या अपने फ्रेंड का जो स्टेटस होता है वो आप अपने स्टेटस में यहाँ पर सेव कर पाएंगे। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर को दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए कोई भी आपको स्टेटस पसंद आता है। चलिए ये मुझे स्टेटस पसंद आया, अब इसे मैं यहाँ पर अपने स्टेटस में लगाना चाहता हूँ, तो इसे मैं यहाँ पर कैसे लगा सकता हूँ सिंपली आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ से बैक आना है और इसे आपको अपने स्टेटस में लगाना है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा आप ये कैसे लगाएंगे। सिंपल सी ट्रिक है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले हमारा आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू। किसी भी दूसरे व्यक्ति का आपको अपने व्हाट्सएप स्टेटस में स्टेटस लगाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। उसकी मदद से किसी भी स्टेटस को आप अपने यहाँ पर अपने खुद के व्हाट्सएप स्टेटस में लगा सकते हैं। उस एप्लीकेशन का लिंक आपको यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर उस एप्लीकेशन का नाम है यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट्सवेब। इसे आप यहाँ पर अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसके बाद जिसे आप इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद देखिए आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर उसका आप नाम भी दे सकते हैं व्हाट्सएप वेब है, तो इसी तरीके से सिंपली इसको आप यहाँ पर ओपन कर लेंगे। देन आपको यहाँ पर व्हाट्सएप स्टेटस का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो सिंपली यहाँ देखिए स्टेटस डाउनलोड वाले सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके कई ढेर सारे यहाँ पर आपको स्टेटस देखने को मिल जाते हैं। जितने भी आपके यहाँ पर व्हाट्सएप स्टेटस है सिंपली पहले आपको अपने वहाँ पर व्हाट्सएप पर देख लेना है, और किसे डाउनलोड करना है वो सिंपली आपको यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैंने जो वो वहाँ पर व्हाट्सएप स्टेटस देखा था सिंपली ये वाला था, सिंपली इसी को हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। देखने के साथ साथ ये जब शेयर करना चाहते तो ये देखिए शेयर का आइकन मिला, इसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, सिंपली यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करें। देखिए लिखा है स्टोरी सेव्ड, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये अब हमारी स्टोरी है जो हमारे गैलरी में सेव हो चुकी है। चलिए इसे यहाँ से मैं बैक आता हूँ, और बैक आने के बाद यहाँ पर देखिए सेव्ड स्टोरी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली आपको आप यहाँ पर क्लिक कर देना है। सिंपली जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए देन जैसे यहाँ पर आप अपनी फोटो वाली अगर स्टोरी कोई है, अगर किसी ने अपने स्टेटस पर फोटो लगाई तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर वीडियो टाइम में है तो सिंपली यहाँ पर वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर सेफ हो, यानी वीडियो के टाइम में आपको देखने को मिलेगी। तो ये वाली जो थी सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ये देखिए इस स्टोरी को आपने सेव किया था, इसे आप देख सकते हैं। देखने के साथ साथ आप अगर डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। यदि अपने व्हाट्सअप पर लगाना चाहते हैं शेयर के ऑप्शन पर सिंपली आपको यहाँ से क्लिक कर देना है, या सिंपली आप वहाँ से शुरू में भी वहाँ पर शेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते थे। तो यहाँ से चलिए मैंने यहाँ पर शेयर को क्लिक कर दिया। अब दिन अपने यहाँ पर व्हाट्सअप को आपको चूज कर लेना है, अपने व्हाट्सअप को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको अपने यहाँ पर माय स्टेटस का ऑप्शन जो दिख रहा है सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और दिन यहाँ पर देखिए आपको जो सेंट वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको सेंट कर देना है। अब यहाँ पर ये देखिए आपको देखने को मिलेगा, तो सिंपली ये कुछ लिख के आता है, सिंपली कुछ यहाँ पर इस तरीके से आप इसे यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हैं, हटा सकते हैं इस तरीके से, या फिर यहाँ पर आप प्रेस करके रखेंगे इस तरीके से एक साथ आप यहाँ पर कट कर सकते हैं। इसके बाद आपका जैसा भी जिस तरीके का स्टेटस हो उस तरीके के आप यहाँ पर इमोजी भी ऐड कर सकते हैं। यदि आपका लव सीन वाला है तो यहाँ पर आप यहाँ पर हॉट दे सकते हैं, अगर टूटा दिल वाला है तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या फनी है तो उसी तरीके से आप यहाँ पर लगा सकते हैं। चलिए हम सेंड पर क्लिक कर देंगे, तो ये जो अब स्टेटस है ये देखिए हमारे वहाँ पर डाउनलोड यानी हमारे स्टोरी पर है वहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। देखिए इस व्हाट्सअप स्टेटस पर यहाँ पर डाउनलोड होगा। सिंपली व्हाट्सअप स्टेटस को हम अपने ओपन करते हैं, देन यहाँ पर जाते हैं स्टेटस के ऑप्शन पर। स्टेटस के ऑप्शन पर जाने के बाद देखिए यहाँ पर हमको माय स्टेटस का ऑप्शन है, ये देखिए मेरे यहाँ पर स्टेटस लग चुका है। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसके बाद आप देखिए ये जो स्टेटस है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए मैंने जो यहाँ कहा था 3 यहाँ पर हार्ड लगाने के दिल लगाने के लिए, और वही स्टेटस है जो मैंने वहाँ पर आपको सबसे पहले देखा था, फिर दिखाया, फिर उसको डाउनलोड किया, और फिर अपने खुद ही यहाँ पर अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर मैंने इसको यहाँ पर लगाया है। सो गाइस इस तरीके से आप भी किसी का भी दूसरे का अपना व्हाट्सअप स्टेटस आप अपने स्टेटस में बहुत ही इजीली आसानी से लगा सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको जो हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे वीडियो को कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।